यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। अपराध या अपराधी से हम लोगों को या अम्बे को खाकर कोई सहानुभूति नहीं है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सज़ा मिली और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। अतीक अहमद की हत्या की गई कैसे देखते हैं, क्योंकि यूपी मॉडल की बात होती है, योगी मॉडल की बात होती है, चर्चा बहुत। देखिए जो लोग भी अपराधी हैं या अपराध हैं, अपराध या अपराधी से हम लोगों को या अम्बे को खाकर कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके ज़रिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सज़ा मिली और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार देना, ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते, हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सुमोटो लिया जाता, लेकिन आज तक कहीं नहीं देखा जाता। हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है, आपको लगता है करवाया गया, आपको लगता है ये हुआ नहीं करवाया, स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं आप, तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है अपराध अपराधी का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। यहाँ भी योगी मॉडल की बात हो रही है, बिहार में भी। कौन बात कर रहा है, बीजेपी लगातार कह रही है कि बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। कौन, बीजेपी के लोग जी? पहले क्या चल रहा था यहाँ, पहले बताइए ना, बीजेपी का नेता कौन है बिहार में, कितने साल से बीजेपी का एक नेता बता दीजिए। ये सब मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, असल बात जो सतपाल मलिक जी ने कहा इस पर हम चाहेंगे कि मीडिया के लोगों को गौर जो है फरमाना चाहिए, इस पे इस एजेंडा के तहत बात होनी चाहिए। पहले भी आप जान ही रहे हैं, जब ये जातीय जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी